हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वेदी काल व उत्तर वेदी काल में जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था और प्रमुख देवता कौन कौन से थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। किस देवता का प्रमुख क्या काम था इसके बारे में हम पढ़ेंगे और धार्मिक रूप से जो प्रमुख कार्य करता था वो पुरोहित उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वेदी काल में धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेदी काल के लोग वो कबीलों में रहते थे और अलग अलग कबीलाई जीवन यापन करते थे और कबीलों में रहकर उनका वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और पशुपालन के लिए वो क्या करते थे, यानी वो अलग अलग जगह वो घूमते रहते थे। तो वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जीवन स्थायी नहीं था, पशुपालन करते थे, कबीला में रहते थे, इस कारण वो क्या करते थे अलग अलग स्थानों पर जाते थे और वहां पर वो क्या करते थे प्रकृति की पूजा करते थे। तो इस कारण से ये प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनके महत्व को उन्होंने जाना और इस कारण से वो क्या करते थे, जब कभी मान लो अकाल पड़ गया या कभी बाढ़ आ गया इस प्रकार या कभी कोई महामारी फैल गई, उस कारण से उन वैदिककालीन लोगों ने क्या किया, एक तो प्रकृति के प्रति प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट किया और एक उनसे भय के कारण उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक जो शक्तियां थी उनकी पूजा करना शुरू किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक जो भी शक्तियां हैं या प्राकृतिक जो भी शक्तियां हैं रूप है उनका उन्होंने क्या किया, देव्यकरण के रूप में उनकी पूजा की, यानी देवता के रूप में वो मानने लगे और इस आधार पर उन्होंने क्या किया उनका मानवीकरण कर दिया। अलग अलग देवताओं को उन्होंने मानव रूप में पूजना शुरू किया और जैसे मानव रूप में वो साक्षात रूप में उनकी पूजा करते थे और साक्षात रूप कह सकते हो या साकार रूप कह सकते हो। दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो निराकार होती है जिसमें ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता है, जबकि साकार रूप में वैदिक काल के लोग क्या करते थे ईश्वर की पूजा करते थे और साक्षात रूप में वो उसकी पूजा करते थे। इस आधार पे हम देखते हैं दोस्तों कि वो क्या करते थे, जो पुरुष है उन देवताओं को उन्होंने क्या किया देवता का रूप दे दिया, स्त्री या महिला उनको देवी का रूप दे दिया। तो देवता और देव देवियां उस दो भागों में वैदिक काल के देवताओं को प्रमुख रूप से बांटा जाता है। वैदिक काल में क्या किया जाता था, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वर्षा है, अग्नि है, इस प्रकार वनस्पति है, बहुत सारे अलग अलग देवताएं थे। तो इस कारण से उसे बहुदेववाद कहा जाता है, बहुत सारे देवी देवता थे फिर भी वो क्या करते थे विशेष समय पर विशेष देवता की पूजा करते थे, इसलिए इसे कहा जाता है एकेश्वरवादी भी थे, यानी बहुदेववाद व एकेश्वर के बीच का ये कार्य था इनका जो धार्मिक जीवन था वो। इसके आधार पर हम देखते हैं कि वैदिक कालीन जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन में उनका विश्वास किस पर था, तो उनका जो विश्वास था वो इहलौकिक पे था। इहलौकिक मतलब ये जो सांसारिक जो जीवन है उसी पर उनका विश्वास था, तो ये जो वर्तमान जो समय उस पर उनका बल था, इहलौकिक समय पर यानी परलोक पर उनका कोई वो ध्यान नहीं देते थे। उसके आधार पर हम देखते हैं प्रगतिवादी थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, इसलिए क्या थे प्रगतिवादी थे। उसके बाद हम देखते हैं अमरत्व पर इन्होंने क्या किया बल दिया, यानी पुनर्जन्म पर ये कम विश्वास करते थे, ये मानते थे कि इस जीवन में मैं अमर हो जाऊं या जितना जीवन जीव लंबी आयु के लिए ये क्या करते थे पूजा पाठ करते थे स्वस्थ जीवन के लिए। मोक्ष पर ये बल देते थे और ये परवर्ती मार्ग के थे, परवर्ती मार्ग का मतलब होता है ये मोक्ष को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, परलोक स्वर्ग नरक परमात्मा आत्मा इन आदि चीजों पर इनका कोई विश्वास नहीं था। ये निवर्ती वारक और परवर्ती वारक में ये दोनों फर्क है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या उल्टे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी पूजा की जो पद्धति थी वो क्या थी, तो ये क्या करते थे ये देवताओं की स्तुति पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे, यानी ये देवताओं की क्या करते थे प्रार्थना करते थे, उनके उपासना करते थे, ये इनकी प्रमुख प्रार्थना की जो पद्धति थी वो है। इस उपासना के वो क्या करते हैं देवताओं को उपासना करते ये यज्ञ करते थे और वैदिक काल में जो यज्ञ है वो पांच महायज्ञ थे। पांच महायज्ञों में एक तो ब्रह्म या ऋषि यज्ञ होते थे, उसमें वो पठन पाठन करते थे, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे, ये आ जाता है ब्रह्म या ऋषि यज्ञ के अंतर्गत। देव यज्ञ के अंतर्गत वो हवन कुंड में यज्ञ करते थे, वो आ गया देव यज्ञ। पितृ यज्ञ में पितरों को अन्न जल का अर्पण करते थे, अन्न है जल इन सब का फल फूल का इनका, और नरी यज्ञ या मनुष्य यज्ञ में अपने अतिथियों का सत्कार करते थे, भूत या बलि यज्ञ में पशु पक्षियों को जैसे पशुओं को उन्होंने कोई चारा डाल दिया, चींटियों को अन्न डाल दिया या पक्षियों को अन्न डाल दिया, ये सब कार्य वो करते थे। और वो त्रिऋण चुकाने के लिए देव ऋण इसमें वो यज्ञ करते थे, ऋषि ऋण इसके द्वारा वैदिक ग्रंथ उनका अध्ययन करते थे, और पितृण संतान उत्पत्ति करके, और ये तीनों ऋण को वो चुकाते थे।
इस काल में जो पूजा की जो पद्धति थी वो एक तो यज्ञ करते थे वो, और पूजा वो किस प्रकार करते थे, वो अर्पण या बलि थी इनकी पूजा की प्रमुख जो पद्धति थी वो, और उसमें वो क्या करते थे, जैसे फल फूल चढ़ा देते थे या जो है अन्न है इनका अर्पण कर देते थे, दूध है जल है तो इनका वो अर्पण कर देते थे, जैसे सूर्य को वो जल चढ़ा दिया, शिव जी को दूध चढ़ा दिया, इस प्रकार। तो ये अर्पण या बलि कहलाता था उस समय जो वो ये जो करते थे वो देवताओं को जो चढ़ावा करते थे। स्तुति पाठ करने वाला जो दान दक्षिणा वो नहीं लेता था इस समय पुरोहित, लेकिन उत्तर वेदी काल में क्या हो गया, पुरोहित का महत्व बढ़ गया, पुरोहित दान और दक्षिणा लेने लग गया। ये जो अर्पण या बलि है अब यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाने लगी उत्तर वेदी काल में, और बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए जाने लगे, जबकि वेदी काल में क्या था, ऋग्वेदी काल में यज्ञ सरल थे, जबकि उत्तर वेदी काल में क्या हो जाता है, यज्ञ आगे जाकर बड़े बड़े मंत्र उच्चारण हो गए, यज्ञ की बड़ी बड़ी वेदियां शुरू हो गई, वो उत्तर वेदी काल में शुरू होता है। यहाँ पर बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा स्तुति पाठ की जाती थी, जबकि ऋग्वेदी काल में सरल शब्दों में ईश्वर की प्रार्थना की जाती थी। स्तुति पाठ करने वाला यहाँ पर जो पुरोहित था उसका प्रमुख स्थान होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो ऋग्वेदी काल या वेदी काल, इस वेदी काल की दो सबसे मोस्ट बातें हैं, एक तो वेदी काल में हमें कोई भी मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी किसी भी मूर्ति के यहाँ पर प्रमाण नहीं मिले, दूसरा यहाँ पर मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों हम अगर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, लेकिन ऋग्वेदी काल में मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, और वेदी काल में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मंदिर के जो अवशेष हमें मिलते हैं वो बाद में गुप्त काल से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों ऋग्वेदी काल में जो धार्मिक जीवन उसके बारे में। फिर आता है भोगाज कोई अभिलेख, ये 1400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था भोगाज कोई अभिलेख, और ये मध्य एशिया में मिला है। इस भोगाज कोई अभिलेख में क्या है, चार प्रमुख देवताओं के ऋग्वेदिक देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, वो कौन कौन से है, तो वो दोस्तों मित्र है, अरुण है, या आप किसके हो, मित्र अरुण इंद्र और नासत्य, ये चार प्रमुख देवता थे जो भोगाज कोई अभिलेख में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है, इन चारों देवताओं के बारे में। तो दोस्तों ये तो हो गई उस समय की सामान्य जानकारी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेदी काल में कौन कौन से देवता थे, उन देवताओं का वर्णन कहां पर किया गया है, उन सब के बारे में अब हम देखते हैं, और उन देवताओं का प्रमुख कार्य क्या था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदी काल में जो 33 देवता थे उनके बारे में हम देखेंगे, और उन देवताओं को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि यास्क है, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था निरुक्त ग्रंथ। इस ग्रंथ में दोस्तों ऋग्वेदी काल के 33 देवताओं के बारे में उल्लेख है, और ऋग्वेदी काल के जो देवता है उनको तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है इस ग्रंथ में। तो ऋग्वेदी काल के देवताओं को हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं, एक तो है पृथ्वी के देवता, दूसरे दोस्तों अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे हैं आकाश के देवता। तो दोस्तों ऋग्वेदी काल के जो देवता है उनको तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। इन देवताओं में हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदी काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वेदी काल में इंद्र का स्थान वो प्रजापति ने ले लिया था। एक पुष्ण जो प्रमुख देवता थे वो ऋग्वेदी काल में पशुओं के देवता थे, जबकि उत्तर वेदी काल में वो शूद्रों के देवता हो जाते हैं। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के जो प्रमुख देवता है उनके बारे में हम देखते हैं, तो सबसे प्रमुख देवता आता है दोस्तों अग्नि। हम अग्नि के बारे में देखते हैं तो अग्नि का जो ऋग्वेद में जो वर्णन है वो अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद में अग्नि का। दूसरी अग्नि की क्या विशेषता है कि अग्नि है वो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता है, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता। तो
तो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है? वो अग्नि है। और उसके बाद में हम और देखते हैं अग्नि के बारे में, तो दोस्तों ये पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता है, ये मनुष्यों व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो मनुष्यों व देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका है वो अग्नि निभाता है। अग्नि की दूसरी बात, इसे प्रत्येक घर का अतिथि कहा जाता है, प्रत्येक घर का अतिथि भी कहा जाता है अग्नि को। तो ये दोस्तों पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है अग्नि को। तो ये अग्नि की सबसे मोस्ट विशेषता होगी कि सबसे पहली विशेषता है कि अग्नि ऋग्वेदिक काल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र के बाद। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद में कौन सा देवता था? वो इंद्र था। दूसरा कौन सा था? अग्नि था। और इसका ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया गया है? तो 200 बार। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा था? तो अग्नि था। मनुष्य व देवताओं के बीच की मध्यस्थ की भूमिका कौन सा देवता निभाता था? अग्नि था। प्रत्येक घर का अतिथि कहा जाता है अग्नि को। और देवताओं को अगर कोई भी आहुति दी जाएगी तो तभी मानी जाएगी जब वो अग्नि में दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जो प्रमुख देवी आती है वो आती है पृथ्वी। हम देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी है उसे सर्जन की देवी कहा जाता है, सर्जन की देवी कहा जाता है, माता कहा जाता है। तो ये दोस्तों पृथ्वी भी हम देवी के रूप में मानते हैं। उसके बाद में जो प्रमुख देवता आता है वो आता है सोम। और सोम के बारे में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों सोम का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोम का वर्णन ऋग्वेद में जो किया गया है वो 120 बार किया गया है। तो ऋग्वेद का जो वर्णन है दोस्तों, ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है 9वें मंडल में, और 120 बार ऋग्वेद में सोम देवता के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सोम है, इन्हें वनस्पति का देवता कहा जाता है, वनस्पति का देवता कहा जाता है सोम को। और क्या विशेषता है इनको? कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इनको चंद्र के रूप में पूजा गया बाद में, और एक सोमरस है वो सोमरस इन्हीं की स्तुति के लिए इसका सोमरस का पान किया जाता था यज्ञों के समय आर्य के द्वारा। तो दोस्तों जो प्रमुख देवता सोम है उनका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में 120 बार ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। वनस्पति के देवता कहा जाता है सोम को, और चंद्रमा के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद में जो प्रमुख देवता आते हैं वो आते हैं दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति का ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख किया गया है। इन्हें यज्ञों का देवता कहा जाता है, यज्ञ का देवता कहा जाता है। तो यज्ञ का देवता किसे कहा जाता है ऋग्वेद में? तो दोस्तों वो कहा जाता है बृहस्पति को। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, तो आगे आता है दोस्तों सरस्वती। सरस्वती विद्या की देवी है, तो सरस्वती है वो विद्या की देवी है। और सरस्वती की पूजा है वो वैदिक काल में तो दोस्तों नदी के रूप में की जाती थी, और बाद में ऋग्वेदिक काल में नदी के रूप में, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में से विद्या की देवी के रूप में पूजा गया। और सरस्वती है सबसे पवित्र नदी भी मानी गई है ऋग्वेदिक काल में। तो ये तो हो गए दोस्तों पृथ्वी के देवता। तीन प्रमुख प्रश्न याद रखने, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है? तो वह है अग्नि। मनुष्यों व देवताओं के पीछे मध्यस्थ की भूमिका निभाता है वो कौन सा देवता है? तो वो आ जाएगा अग्नि। और दूसरा है कि इसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किया गया। इंद्र के बाद दूसरा सबसे श्रेष्ठ देवता किसे माना गया है? तो सबसे ऋग्वेदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र के बाद में वो अग्नि था। पृथ्वी आ गई, उसके बाद में सोम, ऋग्वेद के 9वें मंडल में 120 बार उल्लेख किया गया वनस्पति का देवता है, और बृहस्पति का 11 बार ऋग्वेद में, और ये यज्ञ का देवता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है, और विद्या की देवी मानी जाती है सरस्वती। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, तो दोस्तों अंतरिक्ष के जो देवता है उनके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, तो वो आता है इंद्र। इंद्र को
सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है। अंतरिक्ष का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा था? तो इंद्र था। देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कोई देवता था तो इंद्र था। और इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार वर्णन किया गया है, यानी देवताओं में सर्वाधिक बार अगर वर्णन किया गया तो वो किस देवता का किया गया है? तो वो दोस्तों इंद्र का किया गया है। 250 बार इंद्र का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है। और इंद्र को दोस्तों वर्षा का देवता, इसके साथ में से देवताओं का राजा कहा जाता है। देवताओं का राजा था इंद्र, युद्ध का देवता कहा जाता है। और इंद्र को कहा जाता है दोस्तों पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को ध्वस्त करने वाला। इंद्र का जो हथियार था वो वज्र था, वज्र कहा जाता है, वज्र ये इंद्र का हथियार था। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया जाता था। दो प्रमुख प्रश्न बनेंगे इंद्र से। ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन किया गया? 250 बार। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? इंद्र। उसके बाद उत्तर वेदिक काल में इंद्र का स्थान कौन ले लेगा? तो वो प्रजापति ले लेगा। पुरंदर कहा जाता है। वर्षा का देवता कौन सा था? इंद्र था। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। युद्ध का देवता, सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है अंतरिक्ष का, वो इंद्र था। इंद्र के बाद में हम देखते हैं दोस्तों अगला देवता आता है मारुत। मारुत की विशेषता है कि इन्हें आंधी का देवता कहा जाता है, आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। तो आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों मारुत को कहा जाता है, आंधी तूफान का देवता। उसके बाद में आता है दोस्तों रुद्र। आप सुना का शिव का रुद्र रूप माना जाता है, यानी रुद्र रूप में शिव बड़े क्रोधित होते हैं, तो ये क्रोधित स्वभाव के माने जाते हैं रुद्र। इनको ऋग्वेद में त्र्यंबक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में एक बार रुद्र को क्या कहा गया? त्र्यंबक कहा गया है, यानी भगवान शिव के तीन आंखें थी, इसलिए ऋग्वेद में रुद्र को त्र्यंबक भी कहा गया है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये क्रोधी स्वभाव के थे, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, वो देवता कौन से थे? तो क्रोधी स्वभाव के जो देवता थे वो रुद्र थे। और रुद्र की और क्या विशेषता है? ये मंगल व अमंगलकारी दोनों रूप में पूजे जाते हैं, यानी एक तो मंगल रूप में पूजे जाते हैं मंगलकारी रूप में, और दूसरे है दोस्तों अमंगलकारी। दोनों रूपों में पूजे जाते हैं, वो देवता कौन से है दोस्तों? तो वो है रुद्र। उसके बाद हम देखते हैं रुद्र की और क्या विशेषता है। तो ये औषधि चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। औषधियों जो चिकित्सा के रूप में जो काम में आते हैं, चिकित्सा के निर्माता माने जाते हैं, यानी औषधियों के निर्माता माने जाते हैं। और इनकी क्या विशेषता दोस्तों? तो ये मारुत व अश्विन के पिता थे, यानी एक तो मारुत के पिता थे, दूसरे थे दोस्तों वो थे अश्विन के पिता। तो दो के पिता मान जाते हैं मारुत, और एक इसके मान जाते हैं एक अश्विन के पिता माने जाते हैं। तो मारुत व अश्विन के पिता किसे माना जाता है? वो रुद्र को माना जाता है। उसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों अगला जो देवता आता है वो है पंजन्य। पंजन्य की क्या विशेषता दोस्तों? इन्हें बादलों का देवता कहा जाता है, नदी का देवता कहा जाता है। तो पंजन्य ये बादलों व नदी के देवता थे। तो ये तो हो गए दोस्तों अंतरिक्ष के जो प्रमुख देवता है वो। इनमें सबसे मोस्ट आपको इंद्र का याद रखना है, इंद्र अंतरिक्ष का सर्वश्रेष्ठ देवता है। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो 250 बार इंद्र का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। दूसरी विशेषता है इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, देवताओं का राजा था इंद्र, और युद्ध का देवता कहा गया, पुरंदर कहा गया है, और इंद्र का जो हथियार था वो वज्र था। उसके बाद में मारुत आता है आंधी तूफान का देवता, रुद्र त्र्यंबक कहा जाता है ऋग्वेद में, शिव का क्रोधी स्वभाव है, और मारुत अश्विन का पिता था, मंगल अमंगलकारी रूप में पूजा जाता है रुद्र। और उसके बाद में आता है पर्यजन, और इसे बादलों व आंधी का देवता भी कहा जाता है। तो ये हो गए दोस्तों ऋग्वेदिक काल के देवता। अब हम पढ़ते हैं अगले जो देवता है वो आते हैं दोस्तों आकाश के देवता। और आकाश के जो प्रमुख देवता है उनके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं ध्रुव।
ये दोस्तों सबसे प्राचीन देवता है, सबसे प्राचीन देवता। तो दोस्तों देवताओं में सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं? तो वह है दोस्तों धो। दूसरी बात, ये सूर्य के पिता थे, देवताओं के पिता कहा जाता है धो को। तो धो की यह प्रमुख विशेषता है कि इन्हें सबसे प्राचीन देवता कहा जाता है। इनको इनकी जो और विशेषता है दोस्तों, इन्हें सर्जन का देवता कहा जाता है, सर्जन का देवता कहा जाता है। अब दोस्तों धो की दो विशेषता और आपको याद रखना है, यूनान में इसे यानी यूनानी जो लोग हैं वो धो को कहा कहते थे दोस्तों ज्यूस, जबकि रोम के लोग जुपिटर कहते थे, रोम के लोग जुपिटर कहते थे धो को। तो दोस्तों ये धो की प्रमुख विशेषता होगी कि यूनानी लोग इसे ज्यूस कहते थे और रोम के लोग जुपिटर के रूप में धो की पूजा करते थे, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। और सर्जन के देवता, आकाश के देवताओं में धो का स्थान आता है दोस्तों, सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। अब हम देखते हैं सूर्य, तो देवताओं का पिता धो था, सूर्य का पिता भी धो माना जाता है। सूर्य को आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ देवता किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य को कहा जाता है, अंतरिक्ष का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र को कहा जाता है, और अग्नि को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों सूर्य की विशेषता, सूर्य को तेज का देवता कहा जाता है। पहली विशेषता, सूर्य को तेज का देवता कहा जाता है। दूसरी बात, चर अचर का देवता कहा जाता है, चर अचर का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य को चर और अचर जितने जीव है की आत्मा कहा जाता है, देवता कहा जाता है। ये सूर्य की प्रमुख प्रमुख विशेषता होगी दोस्तों। तो आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है? तो वो आ गया दोस्तों सूर्य। अब हम देखते हैं अगला देवता, वो है दोस्तों वरुण। वरुण का हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि एक बोगाज कोई अभिलेख है जो मध्य एशिया में मिला है, बोगाज कोई अभिलेख, उस अभिलेख में भी वरुण का नाम आता है दोस्तों। और वरुण को तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, 30 बार ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख हुआ है। इसे जल का देवता कहा जाता है, जल का देवता कहा जाता है वरुण को, समुद्र का देवता कहा जाता है। ये सत्य का प्रतीक था, सत्य का प्रतीक वरुण को माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों दिन रात का कर्ता कहा जाता है इसको, दिन रात का कर्ता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों वरुण को? तो इसे वरुण को जो प्रमुख इसकी जो विशेषता है वो है कि इसे रित के नाम से जाना जाता है। रित का मतलब है दोस्तों, रित का नाम है नैतिक नियम, जो नैतिक जितने नियम है, नैतिक नियमों का कर्ता धर्ता वो वरुण को माना जाता है। तो दोस्तों ये वरुण की प्रमुख विशेषता है कि वरुण तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, आकाश का देवता था, 30 बार इसका ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, जल का देवता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक है, दिन रात का कर्ता धर्ता, ऋतु परिवर्तन यानी जो मौसम बदलते हैं आप इसको ऋतु परिवर्तन वो भी किसके कारण होते हैं? वो भी वरुण के कारण होते हैं। रीति यानी नैतिक नियम का कर्ता धर्ता भी किसे कहा गया है? वरुण को कहा गया। अब दोस्तों वरुण की जो सबसे मोस्ट विशेषता है वो है कि ईरानी जो ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ, एक ईरानी ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों जयंत अवेस्ता। अवेस्ता, इस जयंत अवेस्ता में अहुर मजदा कहा गया है। तो दोस्तों वरुण को ईरानी ग्रंथों में, ईरानी एक ग्रंथ है जयंत अवेस्ता, उसमें क्या कहा गया है? उसमें उसे अहुर मजदा कहा गया है वरुण को। और क्या विशेषता है दोस्तों इसकी? यूनानी जो लेखक है वो वरुण को है, वो दोस्तों यूनानी लेखक है, वो ओर्नोज कहते हैं, ओर्नोज। तो ओर्नोज के रूप में यूनानी लेखक इसको जानते, जब ईरानी ग्रंथ
जिंद अवेस्ता में उसे अहुर मजदा कहा गया है। और एक बोगाज कोई अभिलेख है उसमें भी वरुण का नाम मिलता है, उसमें इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य, इन चार देवता का वर्णन मिलता है बोगाज कोई अभिलेख में। तो ये हो गया दोस्तों वरुण। अब हम देखते हैं अगला जो प्रमुख देवता आता है वो आती है दोस्तों उषा। उषा दोस्तों देवी है, उषा को प्रगति व उत्थान की देवी कहा जाता है, प्रगति व उत्थान की देवी। दूसरी बात है जब सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है उसे उषा कहा जाता है। जैसे सूर्य उदय होने वाला होता है, सूर्य का जो लाल रंग वाला जो बड़ा बड़ा जो घेरा होता है उस समय का जो भाग होता है उस समय को कहा जाता है दोस्तों उषा। ये प्रगति व उत्थान की देवी मानी जाती है उषा, सूर्य उदय से पहले का समय को भाग वाले भाग को कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों आता है अश्विन। अश्विन की देखो दोस्तों जो प्रमुख विशेषता, इसका पिता था वो रुद्र था अश्विन का। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसे देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है, अश्विन को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। तो दोस्तों देवताओं का चिकित्सक किसे कहा जाता है, अश्विन को कहा जाता है, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरी विशेषता है कि रुद्र को औषधीय चिकित्सा का निर्माता कहा जाता है, औषधियों का निर्माता तो किसे कहा जाता है रुद्र को, जबकि देवताओं का चिकित्सक या सीधा कहते चिकित्सक किस देवता को कहा जाता है वो है अश्विन को। अब हम देखते हैं अगला जो प्रमुख देवता वो है दोस्तों मित्र। इसका भी जो मध्य एशिया में जो अभिलेख मिला है बोगाज कोई अभिलेख, उस अभिलेख में भी मित्र का वर्णन किया गया है। और मित्र को दोस्तों प्रकाश का देवता कहा गया है, प्रकाश का देवता कहा गया है। और मित्र की जो विशेषता है उदय होते सूर्य को कहा जाता है दोस्तों मित्र, उदय होते सूर्य को, यानी जब सूर्य उदय हो रहा था उसे मित्र कहा जाता है, जबकि सूर्य के उदय होने से पहले का जो समय होता है जिस समय सुबह सुबह की जो पूर्व की ओर जो आभा दिखाई देती है उसे कहा जाता है उषा। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों अगला आता है वो आता है संता। सविता दोस्तों अमृतव की रक्षा करती है, अमृतव की देवी है ये, अमृतव की देवी है वो कौन सी है, वो सविता है। और ये पूर्ण सूर्य जब उदय हो जाता है उसको कहा जाता है पूर्ण सूर्य, सूर्योदय, पूर्ण सूर्य उदय के समय के भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों तो सविता कहा जाता है। उसके बाद जो अगले जो प्रमुख देवता आते हैं वो आते हैं दोस्तों अदिति। अदिति अदिति दोस्तों प्रगति की देवी है, देवताओं की मां है। दो विशेषता अदिति की, ये पहली विशेषता है प्रगति की देवी है, प्रगति की देवी। दूसरी विशेषता है दोस्तों अदिति की कि ये देवताओं की मां है, देवताओं की मां, देवताओं का पिता ये आ जाएगा दोस्तों, और देवताओं की मां अदिति आ जाएगी। उसके बाद में जो प्रमुख देवता आता है वो आता है दोस्तों विष्णु। विष्णु को जगत का कर्ता धर्ता माना जाता है, जगत का पालक माना जाता है। दूसरी विशेषता है विष्णु है वो आकाश को स्थिर रखते हैं, ये विष्णु की प्रमुख विशेषता है। और उसके बाद जो सबसे प्रमुख देवता आता है वो आता है दोस्तों पुष्ण। पुष्ण की आपको दो विशेषता याद रखनी है पुष्ण की, कि पुष्ण जो देवता है ये ऋग्वेदिक काल में तो पशुओं का देवता था लेकिन उत्तर वेदिक काल में ये शुक्रों का देवता हो जाता है। तो पुष्ण था वो ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता था जबकि उत्तर वेदिक काल में से शुक्रों के देवता की उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल के जो देवता है उनको हम प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटते, एक बार वापस देखते हैं फिर हम देवियों के बारे में देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल की जो प्रमुख देवियां वो कौन कौन सी। तो एक बार आप वापस देख लो ऋग्वेदिक काल के देवता दोस्तों, ऋग्वेदिक काल के जो देवता उनके बारे में हम देखते हैं तो यास के जो निरुक्त ग्रंथ है उसमें कुल देवताओं की संख्या ऋग्वेद में 33 बताई गई है। और ऋग्वेदिक काल के जो देवता उनको हम तीन प्रमुख भागों में बांटते हैं, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। पृथ्वी का सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता अग्नि है, अंतरिक्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र है और आकाश का सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता वो सूर्य है। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे अगर पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा था तो वो इंद्र था, दूसरा स्थान अग्नि का आता था जबकि उत्तर वेदिक काल में
इंद्र का स्थान किसने ले लिया, तो प्रजापति ने ले लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों अग्नि के बारे में हमने पढ़ा था कि अग्नि के दो प्रसिद्ध यार्क ने अग्नि का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है, 200 बार। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता है अग्नि, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है अग्नि। बस इतनी बात अग्नि की आती है, पृथ्वी आती है वो भी सर्जन की देवी है, वो भी पृथ्वी की देवताओं के अंतर्गत आ जाएगी। और सोम है, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में 120 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया, वनस्पति का देवता है। चंद्र मां के रूप में भी इसकी पूजा होती है, और सोमरस के पान किया जाता था यज्ञों के समय। बृहस्पति का 11 बार उल्लेख किया गया, यज्ञ का देवता और सरस्वती विद्या की देवी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता है इंद्र, और इंद्र की विशेषता है कि ऋग्वेदिक काल का सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है, या सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। अंतरिक्ष का सबसे महत्वपूर्ण देवता सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 250 बार वर्षा का देवता है, देवताओं का राजा, युद्ध का नेता पुरंदर कहा जाता है, दुर्गों को ध्वस्त करने वाला ये इंद्र को कहा जाता है, मारुत यानी आंधी तूफान का देवता कहा जाता है इंद्र को, और रुद्र यानी अगला देवता आता है दोस्तों रुद्र, इसे त्रयंबक कहा जाता है, कहा गया है ऋग्वेद में। और दूसरी बात एक क्रोधी स्वभाव के थे, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के रुद्र थे, औषधि चिकित्सा के निर्माता कहा जाता है रुद्र को, मारुत व अश्विन के पिता थे वो रुद्र थे। फिर आता है पर्जन्य, ये बादलों व नदियों के देवता थे। तो ये देवता तो दोस्तों आगे अंतरिक्ष के कौन कौन से देवता है, इंद्र मारुत रुद्र और पर्जन्य। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आकाश के देवता दो, सबसे प्राचीन देवता कौन सा, दो का 1% सबसे मोस्ट है, सबसे प्राचीन देवता दो है, सर्जन का देवता दो है। उसके बाद यूनानी लेकर इसे जूस के नाम से पुकारते, जबकि रोम में इसे जुपिटर कहा जाता है दो को। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सूर्य, सूर्य आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में सूर्य की पूजा होती है, चर अचर का देवता कहा जाता है सूर्य को। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों वरुण, वरुण का 30 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता आता है वो आता है वरुण दोस्तों, और इसे जल का देवता कहा जाता है, समुद्र का देवता कहा जाता है, सत्य का प्रतीक माना जाता है, दिन रात का कर्ता धर्ता, ऋतु यानी मौसम बदलते हैं उसका देवता वरुण को कहा जाता है, रीति यानी नैतिक नियमों का पालन करना पालनकर्ता वो या बनाने वाला सर्जनकर्ता वो वरुण को कहा जाता है, और ऋतु परिवर्तन वाला देवता है। ईरानी ग्रंथ जेल्द अवेस्ता में इसे अहुर मज्जा की उपाधि दी गई है वरुण को, यूनानी लेखक इसे ओरनोज की उपाधि देते हैं, जबकि एक बोगास कोई अभिलेख है उसमें वरुण का उल्लेख किया गया। तो बोगास कोई अभिलेख में वरुण का किया गया दोस्तों, मित्र का किया गया है, इंद्र का किया गया है, और एक है नासत्य, इन देवताओं का बोगास कोई अभिलेख में भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला जो प्रमुख देवता आती है दोस्तों ये देवी आती है उषा, तो उषा को प्रकृति व उत्थान की देवी कहा जाता है। फिर आता है उषा, जब सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, सूर्योदय होने वाला होता है लेकिन उससे पहले का पूर्व का जो समय होता है उसे उषा कहा जाता है, सूर्य का वो रूप, इसे प्रगति और उत्थान की देवी कहा जाता है। अश्विन देवताओं का चिकित्सक था ये अश्विन, और अश्विन और हम देखते हैं कि मारुति ये रुद्र के पुत्र थे। उसके बाद में आता है मित्र, इसे प्रकाश का देवता कहा जाता है, उदित होते सूर्य को मित्र कहा जाता है। और फिर आता है दोस्तों सविता, अमरत्व की देवी है, जब पूर्ण रूप से सूर्य उदय हो जाता है तो उसे सविता कहा जाता है, और गायत्री मंत्र इसी सविता देवता को समर्पित है, पूर्ण रूप से उदित होते सूर्य को। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया, और वो किसको समर्पित है, तो वो सविता देवता को समर्पित है, जो ऋग्वेद में विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3रे मंडल में वो सविता देवता को समर्पित है। तो अमरत्व की देवी है सविता, पूर्ण सूर्य उदय के सूर्य का जो पूरा सूर्य उदय हो जाता है उसको कहा जाता है सविता। अदिति प्रगति की देवी है, देवताओं की माँ है अदिति, विष्णु जगत के पालन करता है सबको पता है। और पूषण ये सबसे महत्वपूर्ण देवता है दोस्तों, पूषण इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पूषण वो किसका देवता आता है, तो ये दोस्तों आकाश का देवता है। दूसरी विशेषता ऋग्वेदिक काल में पूषण पशुओं का देवता था, उत्तर वेदिक काल में किसका हो जाता है, शूद्रों का देवता हो जाता है। तो ये तो हो गए दोस्तों ऋग्वेदिक काल के देवता, अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल की देवियां। अब हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक काल की जो देवियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो उनमें सबसे प्रमुख आती है दोस्तों अदिति, अदिति को देवताओं की माँ कहा जाता है, ये हमने पहले ही देख लिया था। उसके बाद में उषा, सूर्य उदय से जो पहले का जो समय है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पूर्व के जो समय को
उषा कहा जाता है और ये प्रगति में उत्थान की देवी कही जाती है। पृथ्वी जगत की माता है, सावित्र सूर्य की प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी है, सूर्या सूर्य की पुत्री का नाम है सूर्या। उसके बाद में देखो दोस्तों आप पर ये जल की देवी है अर्णायनी, वन की देवी है अर्णायनी, रात्रि की रात की देवी है निशान, वनस्पति की देवी है पुरापाधी, उरोरा की देवी है भूमि की, उरोरा की देवी मानी जाती है पुरापाधी, इला आराधना की देवी है इला, और सिंधु नदी है जो ऋग्वेदी काल में सर्वाधिक बार अगर इसका उल्लेख हुआ है तो वो किस नदी का हुआ है, सिंधु नदी का, और सरस्वती है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और विद्या की देवी भी मानी जाती है सरस्वती। तो दोस्तों ये ऋग्वेदी काल की देवियां हैं और ये ऋग्वेदी काल के जो देवता है, तो दोस्तों ऋग्वेदी काल में यास में निरुक्त ग्रंथ के अंदर 33 देवताओं का उल्लेख किया गया और देवताओं को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता अग्नि को कहा गया है, अंतरिक्ष का सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र को कहा गया है और आकाश का सर्वश्रेष्ठ देवता सूर्य को कहा गया है। ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, इंद्र का ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 बार उल्लेख किया गया है और जबकि उत्तर वेदिक काल में इंद्र का स्थान ले लेता है प्रजापति। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम अग्नि करता है और दूसरी विशेषता अग्नि की कि अग्नि इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता था। पुषण यह ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता था लेकिन उत्तर वेदिक काल में से शूद्रों का देवता की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों ये हो गए ऋग्वेदिक कालीन देवता और देवियां।